ठीक है फिर से बोलो। 1944 का नजदीक है और जन्म थे उस समय। देखो हमारे गांव का रिवाजा बुद्धे बाटे, जैसे कोई काम हो गया, किसी की शादियां हो गई, तो 3 साल से हल्दी है, मसले हैं, ये दाल हुआ है, चावल हुए, ये चीनी हुई, चाय की पत्ती के इकट्ठे करते थे। क्यों? अब तो मोबाइल है, हेलो बोला तो आ जाएगा शाम को। उस समय है 3 साल से जमा इकट्ठा करना, तब जाके अपने लड़के का जनेऊ डालना, बरबंद बोलते थे बिल्कुल सिर को साफ कर। तो पंडित जी जो थे बिल्कुल जनेऊ डालेंगे तो माता पिता जो है भिक्षा है गया काशी, क्या क्या बोलते थे पंडित लोग है, तो वैसा काम करना। उसके बाद जनेऊ डाल के फिर जाके कम से कम उस समय तो बचपन यानी साथियाँ जब ब्याह हुआ गई ना ब्याह तो क्या 11 साल की लड़की और अपना कितना है 15-16-17 साल का होगा, तो उस समय वो दिया है कन्यादान। अब तो बहुत ही बड़े हो गए हैं, तब कर रहे हैं शादी, पहली लड़का लड़कियों का जो है इंटरव्यू है, तब जाके मैं बाबू का हो रहा है। पहले तो मांगने को पहले क्या बोलते थे अभी बागदान बोलते हैं, पहले की है इतने मंजर कभी आ गए है, तो वहाँ से क्या था, वहाँ पहले के लोग जाके अपनी लड़कियों का पैसे खाते थे, शादी में क्या है 1,800 उस समय विक्टोरिया छाप के चांदी के सिक्के, तो प्रिया चांदी के सिक्के थे। अब तो वो कागज के हैं 1-1 लाख 2 लाख 3 लाख का चक जी में है चल रहा है ना। उस समय तो बिल्कुल चमड़ा की थैली लोट बोलते थे उसको, लोट चमड़ा की है। और तो ये वास्ते अब इतना समय इतना प्रवर्तन हो गया, इतना बढ़ गया, गाय भैंस नहीं पाल रहे हैं, 2 बैल भी पालना मुश्किल है, खेती बाड़ी करना छोड़ दिया, सब खा रहे हैं क्या बोलते हैं ये आने वाला जैसा वो क्या बोला मैक्रोनी है और मैकी और क्या क्या अजीब से बीमारी, पहले जौरवा गेहूँ मोटुआ चीणा धुआ पानी वो तो है नहीं अभी, वो तो नहीं है। आप देखो इतना है अब गांव में, पहले हमने तो वह करू जाते थे तब जाके गाड़ी दी पूरे पुआ कर वो बढ़ गए थे वो कैसे तो करते थे आज ट्रेन नहीं शरीर चले जा रहे क्यों कैसा समय है। तो अब तो हमारे गांव में आ गया गाड़ी, अब सुबह बैठ रहे हैं यहाँ और शाम को 10:30 बजे दिल्ली पहुँच जा रहे हैं। पहुँच बाद बराबर जातू तो ये वाशे जो है हमारा ये अब ये हमारा गांव हो गया, यहाँ से ये पहुँचवा भी हो नीचे यहाँ के बाद तू रोड चाहे वहाँ 2 घंटा से भांगी क्या चाहिए अरे 2-3 घंटा रहो 2-3 घंटा रहो दीदी जाना वहाँ पे ले जा साले को 12-1 बजे ये खरी तो सब अच्छा अच्छा है वो नानू छो वो होता है जब मेरे को काल हो गो है अच्छा जो जो तुम इनसे ठुलो ना है इनसे ठुलो ना कोई तो है वो तो ना हम अच्छा आयो है वो क्या बना
नामकरण पुर खा रहा हो उसे फेर को ये क्यों बोल रहा अच्छा तो बुआ मैं तुम भर्ती कब भर्ती कब हुई भर्ती हुए मैं 1968 दिसंबर 23 तारीख वन लाइन से दो लाइन से दो ये यहां से पैदल यहां पे अरे यहां ये पैदल गए ग्वालदम शाम को रहा सवेरे बैठा भाई वो उस समय ये जीमू गाड़ी चलती थी 7 बजे बाद वहाँ से टिकट काट उस समय के ना 10-11 रुपये थे खाट गोदाम का मैं 11 रुपया दे दिया बाद बैठ गए उस समय तो खाली लकड़ी के पटले थे वो भी मतलब के कोई शीर थोड़ी ये जितने पहले में दर्द कदी तो साल कितने साल हुए उसके बाद फौज नौकरी कति साल फौज में भर्ती हुए लाइन से तो वहाँ से गया हम दीमापुर बिहार में वहाँ की ट्रेनिंग 20 SM rifle जो थी खुली उस समय 20 और 21 अच्छा 21 थी कोटद्वार और 20 खुली वहाँ बिहार में दानापुर अच्छा वहाँ चले गए हम अरे हमने दाया बाया वेप टाइट वेप ये पाँव वेप हेरा दब डालो उस डालो तुमको चिट्ठी दी हमने टेलीग्राम किया था एक तम से नहीं हेरा वहाँ पर नहीं गए ये बिस्तर गरीबी इनका जा आजकल तो वो गहमुरा उसके बाद 1 साल की तैनात उसके बाद कसम परे उसके बाद वहां से हम रेलवे बैठे वहां से सीधा एसाम की तरफ दीमापुर फर्स्ट पोस्टिंग हाँ दीमापुर दीमापुर में रहे हम 2-3 महीने उसके बाद वहां से गए हम सीधा मणिपुर इम्फाल मणिपुर अच्छा तो फिर उसके बाद कभी मैंने माचा तुम घर भाई एसाम रफल में थोड़ा वो मुझे यानी 3 साल में मिलती थी पहले जो था 3 साल में मिलती थी बाद में एक एक साल के बाद तब जाके छुट्टी मिलती थी बैठे मेजर जनरल बैठे था उसने किया ये अच्छा कभी बॉर्डर पर भी हुए पोस्टिंग है अच्छा तो बर्मा बॉर्डर और उसके बाद मणिपुर के बाद वो काक्षी बर्मा होते हुए जाने पर एक पोस्ट था हमारा बर्मा के से होते हुए तो वापिस आया पर ये टिला था ये कंपनी थी वहाँ बस आहा बड़ा गया बस मणिपुरी चौकड़ी बस बिल्कुल धोती लगा के चंदन लगा के भात बनाएंगे वो चौंखला रखेंगे बिल्कुल अरे बामड़ी ठहरे घिरो फर्स्ट क्लास कितना है आप बिल्कुल धोती माऊ खाना रुम्बा सबसे मणिपुर का और नागालैंड का मशहूर सारा रुम्बा वो शरीर में क्या मची वो उसको वो बिल्कुल ही आता था तो उसको मिल करके चलाना करके ताहड़ पे चार चार थाली भात खा जाते थे और मणिपुर के चावल ठहरे पाओ अच्छा उसके बाद वहाँ गए हम आप कौन कौन सा लाइन लगी बॉर्डर 71 में हम आए दीमापुर हमारी ये कंपनी और मणिपुर से दीमापुर को आ गए जैसे हम लोग हो रहे थे गाड़ी में रेल में और बांग्लादेश जय बंगला उस समय बंगला में भी तो नहीं लगी तो उसके बाद आइए हथर से काम लगी मुक्ति वाहिनी फौज बस सफेद पैजमा सफेद कमीज
अरे तो क्या है? ओ हमने समझा कि बाबू रेल में हम क्या तैयार हो गए ना भाई, वहां से खबर आया क्या चीज है ना भाई, वहां से फिर आज गाड़ी से और रेल से और क्या फिर सकते। अच्छा हमने सुना तुम्हें घुड़सवारी में भी भाग ले रहे थे। हाँ, उसके बाद 1972 में 72 में मेरा डाया में कोर्सू में ये इक्विटेशन कोर्स घुड़सवारी का। अच्छा, वहाँ तो वहाँ मीरज में कोर्सू किया 1.5 साल। उसके बाद यूनिट को गए, यूनिट से फिर हमारे 35 साल के जो थे घोड़े वो क्या बुलाया, हर ऐसा हमारे पास तीन तीन रेटिंग घोड़े हैं, इनको जमा करो और घोड़ों की यानी खेल जैसे एशिया खेल 1981 में एशिया खेल हो। वहाँ से फिर हम घोड़े के घुड़सवारी में वहाँ कोर्सों किए हुए आदमी जी को थे। उसके बाद दिल्ली ये 61 के एप्लीकेशन हम अटेज थे, 11 घोड़े थे, 9 साल तक रहे वहाँ। जहाँ खेल होना कलकत्ता है, मद्रास है, बम्बई है और लखनऊ है, इन जगह जैसे घोड़ों से पोलो खेलना, टेट पैकिंग बोलते हैं, सो जंपिंग बोलते हैं और क्रॉस कंट्री बोलते हैं घोड़ों के ऊपर। अच्छा आइए क्या, उसके बाद दक्षिण कोरिया भी गया। अच्छा दक्षिण कोरिया हम कितने 11 आदमी थे हमारे हिंदुस्तान के, उसमें अवसर भी थे, जेसूस भी थे, हवलदार थे, बस एशिया दक्षिण कोरिया में हमारे 108 देशों का खेल का वो था, तो उसमें हमारा हिंदुस्तान सेकेंड आया। अच्छा अब देखो सेकेंड, हाँ तो वहाँ जो थे अब वहाँ तो ग्रुप वाइज है ना, जैसे सबका पॉइंट जोड़ जैसे सो जंपिंग में है, टेट पैकिंग में है और पोलो में है और हाई जंप लंप जंप, कम से कम 6 फीट 9 इंच करता है घोड़ा जंप और 3 फीट चौड़ा घोड़ा इतना जंप करता है, सवाल नहीं था उसमें। मैं अब वो जंप भी अब बड़े बड़े खती थी मोटे रहते, थोड़ा रखा रहता है थोड़ा उस पर घोड़े का पाँव ऐसे लग जाता है तो इतना हो गया तो घंटी बज जाएगी बस, बहुत कई साल बन गई। अच्छा तो फिर आप रिटायर कब आ चले? रिटायर आया मैं 1990 में। अच्छा अगस्त अक्टूबर 30 अक्टूबर हम वहाँ से रिटायर, 21 साल 6 महीना 6 दिन हमारी सर्विस। अच्छा घर की चलती नहीं रही बाबा और ये वास्ते हम यहाँ पहुँचे। इसके बाद घर की स्थिति रहा, गाय बहन बहना किसान है, शादी पर भी उससे पहले शादी पहले हो गई थी घर की स्थिति। अच्छा तो इस प्रकार से हम आप बुक से इन्हें बदा हम अनुभव यूँ इन्होंने जीवन इस प्रकार से देश सेवा में समर्पित किया, फौज में थे 21 साल इन्होंने अपने देश सेवा में दिए हैं और आज देखिए किस प्रकार से ये अकेले हैं अपने घर में, इनके बच्चे बुच्चे सब जितने भी आजकल गांव में जवान तो हैं, नौजवान सब बाहर ही हैं गाँव के, तो हमारे बुबू देखो किस प्रकार से इतना भारी बोझा लेके आ रहे हैं नीचे से, और हाँ बुबू का घराट भी है नीचे, तो अकेले वहाँ से इतना भारी बोझा लेके आ रहे हैं और अकेले जीने को मजबूर हैं किस प्रकार से देखिए। चलो देखो